हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बहुत सारे छात्र लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा कब होगी। दोस्तों, पीएनपी से जानकारी मिल गई है तो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यहां पर मिलेगी। साथ ही साथ प्राइमरी शिक्षक भर्ती और यूपी टेट की परीक्षा तिथियों पर भी हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना, डीके गुप्ता सर के द्वारा दोस्तों आ गया है सी टेट के लिए स्पेशल बैच। रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर में यह बैच आपको काफ़ी कम फी में मिल जाएगा। सी टेट का कंप्लीट बैच जो लगभग 3000 रुपये में मिलता है, आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 699 में। और अगर आप सिर्फ EVS और CDP पढ़ना चाहते हैं तो जो कोर्स लगभग 1000 रुपये में मिलता है, आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये में। तो ऑफ़र लिमिटेड समय के लिए है। हेल्पलाइन नंबर आप यहां देख सकते हैं, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस कोर्स को खरीद सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा की। आप लोगों को पता है दोस्तों कि परीक्षा काफ़ी समय से डीले हो रही है, और उत्तर प्रदेश में देखा जाए पिछले 3-4 सालों में तो जो नए शिक्षक भर्ती है, चाहे वो प्राइमरी में या जूनियर में, वो देखने को नहीं मिली। प्राथमिक में 2 भर्तियां हुई, 68,500 और 69,000। ये दोनों भर्तियां कोई नई भर्तियां नहीं थी, बल्कि शिक्षा मित्रों के रिक्त पदों को ही भरा गया, तो इसे नई भर्ती हम लोग नहीं कह सकते। और एडेड जूनियर की भर्ती जो आई, वो भी भर्ती बुरी तरह से फंस गई। 2013 में पिछली भर्ती हुई थी, 7-8 सालों के बाद भर्ती भी आई, तो अभी तक उसकी परीक्षा ही नहीं हो पाई। अप्रैल में परीक्षा होनी थी तो कोरोना और पंचायत चुनाव की वजह से परीक्षा टल गई, और उसके बाद फिर से अफवाहों का बाजार गर्म है। हर महीने खबर आती है कि परीक्षा होने वाली है, लेकिन अंततः एग्ज़ाम हो नहीं पाता है। कुछ समय पहले PNP के द्वारा जानकारी मिली कि एक नया प्रस्ताव PNP ने शासन को भेजा है, जिसमें 10 अक्टूबर को एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा और 19 दिसंबर को यूपी टेट कराए जाने का प्रस्ताव है। लेकिन 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा 31 अक्टूबर और यूपी टेट 26 दिसंबर को कराया जाएगा। ये दोस्तों जो खबर है ये फर्जी है, इसकी कोई भी सच्चाई नहीं है। हमने PNP में पता करने की कोशिश की, वहाँ से इस खबर की पुष्टि नहीं की गई, ना ही किसी न्यूज़पेपर में, किसी वेबसाइट पर ऐसी कोई जानकारी दी गई है। तो 31 अक्टूबर और 26 दिसंबर वाली जो खबर है ये झूठी है और इस पर विश्वास नहीं किया सकता है। PNP से मिली जानकारी के अनुसार जो पिछला प्रस्ताव था उसी पर काम चल रहा है, और 10 अक्टूबर के ही आसपास एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा को कराए जाने की तैयारी चल रही है। तो आप लोग दोस्तों तैयारी करते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, करंट अफेयर पिछले 10-11 महीनों का प्रिपेयर कर लें और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लें। 10 अक्टूबर के ही आसपास ये परीक्षा कराई जाएगी, क्योंकि 10 अक्टूबर को दूसरी भी परीक्षाएं लगी हुई हैं, तो एग्जैक्टली 10 अक्टूबर की परीक्षा ना होकर 2-4 दिन आगे या पीछे इस एग्ज़ाम को करा लिया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। तो आपको अपनी तैयारी इसी के हिसाब से करनी है। बात करें यूपी टेट की, तो यूपी टेट भी 19 दिसंबर के ही आसपास कराया जाएगा, 2 दिन आगे या पीछे। तो दिसंबर में ही यूपी टेट होगा और अक्टूबर में एडेड जूनियर की परीक्षा करा ली जाएगी, ये दोस्तों लगभग आप लोग मानकर चलिए। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करें तो जब से बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बयान आया है, तब से छात्रों को काफ़ी निराशा हुई है। आप लोगों ने भी उनका बयान देख ही लिया होगा, कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। मंत्री जी ने कहा कि अभी शिक्षकों की हमें ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम भर्ती कर लेंगे। इसको सुनकर छात्र खासा निराश हैं। दोस्तों, आपको परेशान और निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी को मजबूत करिए। भर्ती में डीले हो रही है, ये सच है, डीले होगा भी, लेकिन भर्ती ज़रूर आएगी। और इस साल सरकार भर्ती देने के मूड में नहीं है, जिस तरह से बयान आ रहे हैं, लेकिन अगर सरकार पर प्रेशर पड़ा, मांग होती रही, और अगर मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्देश हुआ भर्ती का, तो भर्ती ज़रूर आएगा। इससे पहले भी बहुत बार बयान कुछ अलग आए हैं, लेकिन उसके उलट काम हुआ है, तो प्राथमिक में भी भर्ती आ सकती है। लेकिन इसके लिए बहुत ही मजबूती के साथ अपनी मांग को शासन के सामने रखना होगा। इसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा था कि हमारे पास 51,112 पद प्राथमिक में रिक्त हैं 69,000 पूरा हो जाने के बाद, और इस हलफनामे को भी दिए 1 साल का समय हो गया है। हर साल 10-12,000 15,000 बेसिक शिक्षक रिटायर होते हैं, 51,000 वो पद, बाकी जो रिटायर हुए हैं ये पद कहाँ चले गए? पिछले 1 सालों में कोई नई भर्ती तो हुई नहीं, तो फिर ये पद कहाँ से भर गए? और मंत्री जी ने कहा कि हम शिक्षक और छात्र के अनुपात के हिसाब से शिक्षकों की भर्ती करते हैं, तो फिर 51,000 जो शिक्षक पद रिक्त थे, यानी कि 1.5 लाख छात्रों पर 51,000 शिक्षकों की ज़रूरत हुई,
ये 1.5 लाख छात्र कहाँ चले गए। और अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने आंकड़ा दिया था कि इस बार रिकॉर्ड नामांकन हो रहा है प्राथमिक स्कूलों में। तो जब नामांकन हो रहे हैं, एडमिशन हो रहे हैं, तो फिर उन्हें पढ़ाएगा कौन? उनके लिए शिक्षक की भी व्यवस्था करनी होगी। जब 30 बच्चों पर एक शिक्षक रखा जाता है, तो फिर ये जो नामांकन हो रहे हैं, इन बच्चों के लिए शिक्षक कहाँ से आएंगे? तो शिक्षकों की भारी कमी है उत्तर प्रदेश में, इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। और सरकार को जब समझ में आएगा, जब ज़रूरत लगेगी, जब इन्हें लगेगा कि हम चुनाव में कमज़ोर पड़ रहे हैं या फिर सरकार की किरकिरी हो रही है रोज़गार के मुद्दे को लेकर, तो भर्तियां निकलेंगी। यही दोस्तों इम्पोर्टेंट अपडेट इस वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।